उसका स्वागत है आपका। खबर 4 बजे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची है पुलिस की टीम। कल भी पुलिस एआरटीओ की टीम पहुंची थी घटनास्थल पर। एआरटीओ ने जले वाहनों का परीक्षण किया था। बनवीरपुर दंगल का स्थलीय निरीक्षण कर रही है एसआईटी। बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। योगेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के साथ। योगेश, क्या है ताजा अपडेट? जैसा कि जो है जो घटना हुई थी जहाँ पे वो सिकुनिया में जो है, तो उसके बाद जो कल पुलिस की टीम व आईटीओ की टीम वहाँ मौके पहुंची थी, जहाँ पे जो जो जले हुए थे वाहन जले हुए थे उनकी जांच की थी, और वहाँ पे जो भी एसआईटी की टीम भी पहुंची थी उसकी भी जांच की थी जो घटना स्थल हुआ था। आज जो बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम जो है जहाँ पे दंगल हुआ था, आशीष मिश्रा जहाँ बता रहे में मौजूद था, अजय मिश्रा के जो पुत्र हैं वो वहाँ एसआईटी की टीम पहुंची है, वहाँ भी जांच कर रही, लोगों से पूछताछ कर रही कि क्या आशीष मिश्रा उस समय जो है घटना स्थल पे नहीं जबकि दंगल में मौजूद थे। तो इस तरह का एसआईटी की टीम और पुलिस टीम वहाँ मौके पहुंची है और जाँच पड़ताल कर रही है। ठीक है, कब से ये जाँच पड़ताल चल रही है? जी जी, मुकदमा जैसे ही आशीष मिश्रा 15 अगस्त लोगों मुकदमा लिखे थे तो उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जांच शुरू हो गई थी। तो कल जो पुलिस की टीम वहां मौके पहुंची थी, इससे पहले भी कई बार जा चुकी वहां पे, जो भी इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले आईजी का भी बयान आया था कि वहां पे 2 खोखे बरामद हुए हैं कारतूस के। उसके बाद बराबर जो टीम है मौके पर जा रही है, जाँच पड़ताल कर रही, वाहनों को भी देख रही की किस तरह कैसे हुआ था। और आज वहाँ जहाँ दंगल हुआ था मौके पर पहुंची, वहाँ पे जाँच कर रही, लोगों से पूछताछ भी कर रही की आशीष जो दंगल में मौजूद थे या जो है घटनास्थल में जो वहाँ गाड़ी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए।